नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल वेमुरी मूर्ति हिंदी टू तेलुगु स्पोकन क्लास में स्वागत है, दिल के साथ स्वागत है। दोस्तों, आज का जो मेरा विषय है, तेलुगु भाषा में धोबी से हम किस प्रकार से बात करते हैं। हाँ दोस्तों, हमारे बहुत सारे हिंदी भाषी लोग आंध्र प्रदेश में रहते हैं, वहां पे जो धोबी लोग आते हैं, घर में आते हैं, कपड़ों को लेके जाते हैं, तो जो भी नए नए आते हैं उनसे बात करने में बहुत ही प्रॉब्लम को सामना करना पड़ता है। इसलिए मैंने आज का जो वीडियो खास उन्हीं लोगों के लिए बनाया है जिन्हें ये वीडियो बहुत ही जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हैं, वीडियो क्या है उसके बारे में पूरी जानकारी आज के वीडियो में सीख लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो जरूर मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लेकिन दोस्तों, जो भी मेरे वीडियो पहली बार आए हैं या पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें और ऑल पर क्लिक जरूर करें, जिससे मेरे सभी अपडेट्स आपकी स्क्रीन में आते रहें। तो चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। दोस्तों, मान लीजिए आपके घर में कोई धोबी आता होगा, मान लीजिए बहुत दिनों से आता हो या उम्र में छोटा भी हो, अगर आप उसे तू या तुम इस प्रकार से संबोधन करते होंगे तो आप उससे बोल सकते हैं, सभी कपड़ों को गिन या गिनो, सभी कपड़ों को गिन या गिनो। इस वाक्य को हम तेलुगु में क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे अन्नी बट्टलनु लेक्का पेट्टु, सभी कपड़ों को अन्नी बट्टलनु गिनो लेक्का पेट्टु, अन्नी बट्टलनु लेक्का पेट्टु। मान लीजिए वही धोबी हमसे थोड़ा उम्र में बड़ा होगा, जितना भी हो दोस्तों, थोड़ा इज्जत से बात तो करना ही पड़ता है, क्योंकि हम जितना इज्जत देंगे वो भी हमारे दिल के साथ उतना ही इज्जत करेंगे। तो हम उनसे पूछ सकते हैं, सभी कपड़ों को गिनिए। क्या बोलेंगे? सभी कपड़ों को गिनिए, अन्नी बट्टलनु लेक्क पेट्टंडि, अन्नी बट्टलनु लेक्क पेट्टंडि, सभी कपड़ों को अन्नी बट्टलनु गिनिए లెక్క పెట్టండి, అన్ని బట్టలను లెక్క పెట్టండి. కితనీ కపడే హే జో బతాయే, కితనీ కపడే హే జో బతాయే, ఎన్ని బట్టలు అయ్యాయో చెప్పండి, ఎన్ని బట్టలు అయ్యాయో చెప్పండి, కితనీ కపడే హే జో ఎన్ని బట్టలు అయ్యాయో బతాయే చెప్పండి, ఎన్ని బట్టలు అయ్యాయో చెప్పండి. सभी कपड़ों को परसों तक लेकर आना है, सभी कपड़ों को परसों तक लेकर आना है, अन्नी बट्टलनु एल्लुंडी वरकु तीसुकरावाली, सभी कपड़ों को परसों तक लेकर आइए, सभी कपड़ों को परसों तक लेकर आइए, अन्नी बट्टलनु एल्लुंडी वरकु तीसुकुनि रंडी, अन्नी बट्टलनु एल्लुंडी वरकु तीसुकुनि रंडी, सभी कपड़ों को अन्नी बट्टलनु परसों तक एल्लुंडी वरकु लेकर आइए, तीसुकुनी रंडी, अन्नी बट्टलनु एल्लुंडी वरकु तीसुकुनी रंडी। अगर वो बोलेगा कि मैम साहब, ये तो दो दिन में नहीं होगा, आते आते 4 से 5 दिन लग जाएंगे, तो इस वाक्य को वो किस प्रकार से बोलेंगे? वो बोलेंगे, मैं 2 दिन नहीं 5 दिन के बाद लाऊंगा, मैं 2 दिन नहीं 5 दिन के बाद लाऊंगा, नेनु 2 रोजुलु कादु 5 रोजुलु तर्वात तीसुकोस्तानु, नेनु 2 रोजुलु कादु 5 रोजुलु तर्वात तीसुकोस्तानु, मैं नेनु 2 दिन नहीं 2 रोजुलु कादु 5 दिन के बाद 5 रोजुलु तर्वात लेकर आऊंगा, तीसुकोस्तानु, नेनु 2 रोजुलु कादु 5 रोजुलु तर्वात తీసుకొస్తాను, మే 2 దిన్ నహీ 5 దిన్ కే బాద్ లేకర్ ఆఉంగా. ఔర్ థోడా జల్దీ లానే నహీ హోగా, ఔర్ థోడా జల్దీ లానే నహీ హోగా, ఇంకా కొంచెం త్వరగా తీసుకురావడం అవదా, ఇంకా కొంచెం త్వరగా యా త్వరలో తీసుకురావడం అవదా, ఔర్ థోడా ఇంకా కొంచెం జల్దీ త్వరగా లానే నహీ హోగా తీసుకురావడం అవదా, ఇంకా కొంచెం త్వరగా తీసుకురావడం అవదా. అగర్ ఉసే లానే మే కోయి ప్రాబ్లమ్ హోగా, అగర్ వో 2 దిన్ మే నహీ లా పాతా హోగా, తో వో ఇస్ ప్రకార్ బోల్ సక్తా హై, మే జల్దీ నహీ లా పాఉంగా, మే జల్దీ నహీ లా పాఉంగా, నేను త్వరగా తీసుకురాలేను, నేను త్వరగా తీసుకురాలేను,
मैं नेनु जल्दी त्वरगा नहीं ला पाऊंगा तीसुकुरा लेनु नेनु त्वरगा तीसुकुरा लेनु। लगता है कि धोबी उन कपड़ों को अच्छी तरह से धोता नहीं है, तो जब आता है तो ये बात भी बोलते हैं, तुम कपड़ों को अच्छी तरह से नहीं धो रहे हो, तुम कपड़ों को अच्छी तरह से नहीं धो रहे हो। इस वाक्य को हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे नुव्वु बट्टलनु सरिगा उतकणं लेदु, नुव्वु बट्टलनु सरिगा उतकणं लेदु, तुम नुव्वु कपड़ों को बट्टलनु अच्छी तरह से सरिगा नहीं धो रहे हो, उतकणं लेदु, नुव्वु बट्टलनु सरिगा उतकणं लेदु। दोस्तों, जिस प्रकार से यहाँ पे जो कपड़ों को धोना होता है, कहाँ हम बोलते हैं काचना, काचते हैं ना, तो कपड़ों का से घुमा घुमा मारना, जैसे कसकस कर धोना, वो जो होता है ना दोस्तों, उसको हम तेलुगु में बोलते हैं उतकड़म। क्या बोलते हैं? उतकड़म। परंतु जो बर्तन धोते हैं, बर्तन पर जो धोना जो क्रिया होता है उसे हम बोलते हैं कड़गड़म। क्या बोलते हैं? कड़गड़म। ये फर्क आपको जाने रहना है दोस्तों। जहां पे कपड़ा धोना होता है वहां पे हम बोलते हैं बट्टलु उतकड़म, और जहां पे बर्तन धोना होता है वहां पर अंटलु कड़गड़म। याद रहिए दोस्तों, अंटलु मतलब क्या होता है? जो झूठे बर्तन होते हैं उसे हम बोलते हैं अंटलु। दोस्तों, जब धोबी ये बात सुनता है तो उसे थोड़ा बुरा तो लगेगा, लेकिन क्या करेगा बेचारा, कुछ तो बोलेगा ही। क्या बोलेगा? वो बोलेगा, नहीं मैडम, मैं कपड़ों को बहुत अच्छी तरह से धोता हूँ। नहीं मैडम, मैं कपड़ों को बहुत अच्छी तरह से धोता हूँ। काद मैडम, नेनु बट्टलनु चाला बागा उतुतानु। काद मैडम, नेनु बट्टलनु चाला बागा उतुतानु। सब मिलाकर कितने हुए वो भी बताना, सब मिलाकर कितने हुए वो भी बताना, अंता कलिपी एंत इंदो अदि कूडा चप्पंडी, अंता कलिपी एंत इंदो अदि कूडा चप्पंडी। सब मिलाकर अंता कलिपी कितने हुए जो एंत इंदो वो भी अदि कूडा बताइए चप्पंडी, अंता कलिपी एंत इंदो अदि कूडा चप्पंडी। दोस्तों, अभी मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूँ, देखता हूँ मेरे सवाल का जवाब सबसे पहले मेरे कमेंट सेक्शन में कौन देते हैं। दोस्तों, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स वीडियो लंबा होने के कारण शायद मेरे सवाल तक नहीं आते हैं। दोस्तों, मैं चाहता हूँ वीडियो को पूरा देखें और मेरे सवाल का जवाब दें, तभी मैं आपका सवाल का जवाब दे पाऊंगा और आपका जो डाउट है वो भी अच्छी तरह से क्लियर कर पाऊंगा। तो कोई बात नहीं है दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को पूरा देखें और अच्छी तरह सीखें। तो आज का मेरा सवाल है, सभी कपड़ों को गिनिए, सभी कपड़ों को गिनिए, यही मेरा आज का सवाल है। देखते हैं मेरे सवाल का जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में सबसे पहले कौन देते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मैं अभी आप लोगों से विदा लेता हूँ। आज का मेरा वीडियो आपको कैसे लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चाहते हैं दोस्तों में शेयर करना है शेयर कीजिएगा, दिल से कमेंट दीजिएगा। लेकिन दोस्तों, जो भी मेरे वीडियो को बस देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए और ऑल पर क्लिक जरूर कीजिए दोस्तों, जिसमें सभी अपडेट्स आपके स्क्रीन में आते रहें। तो ठीक है दोस्तों, आप लोगों से मैं विदा लेता हूँ, आप सभी को मेरा नमस्कार।